हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, रुश्दी का अंजाम बहुत से गाफिल लोगों के लिए निशाने इबरत है कि अब भी संभल जाएं, सुधरी और बा मकसद जिंदगी गुजारें, इंसानियत की फलाह पर परंजी इस्तेमाल करें, वरना मिट गए मिटाने वाले, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, और बस नाम रहेगा अल्लाह का, मुल्हिद मुर्तद गुस्ताख वासिल जहन्नुम हुआ। तो ये देख, ये मैंने सिर्फ एक दो शॉर्ट्स ही निकाले हैं, आप जाके जरा देख लें, पूरे नीचे तक जा रहा होगा कि ओ माय गॉड, अरे दीदी मेरे काम किया मेरे है, को माफ करना, ये चीजें सुन के मेरे सर में दर्द हो जाते हैं, दर्द हो जाता है मेरे सर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि इनकी जो हमारे बॉलीवुड के जो जो इंटेलेक्चुअल है ना, जैसे आमिर खान है, ये बेचारे अभी इनकी मूवी आई और फ्लॉप हो गई, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, उसकी अलग स्टोरी है। मैं आज थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उनकी मक्कारी क्या है। दरअसल तो उन्होंने तो बोलना चाहिए, कम से कम जो ह्यूमैनिटी का झंडा लेके चल रहा है उनको बोलना चाहिए। ऊपर मुझे आज करनी थी, मुझे स्ट्रीम एक लाल सिंह चड्ढा पे भी करनी थी और उस पे भी करनी थी, तो शायद अगर मेरे पास थोड़ा टाइम हुआ ना कल, तो क्योंकि मैं तैयार वगैरह होना है, मुझे कल मेरे एक दो इंटरव्यूज हैं, तो फिर मैं आ जाऊंगी एक आध घंटे, एक दो घंटे के लिए लाइव आ जाऊंगी, फिर उस पे भी बात करनी। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाह रहा था, एक लास्ट चीज दीदी, कि वो जो मॉडरेट मुस्लिम की भी बात कह गए ना, तो कई ऐसे मेरे को, मैं मिला था मॉडरेट मुस्लिम से, कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी अटैक जो हुआ, मैं अगर उनको काउंटर करूं या उनको कन्फ्रंट करूं कि यार ये देखो क्या हो रहा है, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, तो मुझे फटाक से वो एक कुरान की आयत कोट कर देंगे कि ये चीज जो है होली टेक्स्ट से नहीं है। तो मैं उनको यही बोलता था कि यार ये चीज जो है ना वो टेररिस्ट को दिखानी थी, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो, मेरे को दिखाने से क्या होगा, तो क्या उसको तुम कवर फायर दे रहे हो या उसको कवर कर रहे हो कि नहीं नहीं दिस हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, ताकि अगली जितनी दफा ये दिखाते हैं ना, जितनी दफा ये बोल दें कि रिलीजन से लेना देना नहीं है। नहीं, उनको नहीं दिखाएंगे ना। अभी मैं स्पेसेस में घूम रही होती हूँ ना, वहां पर आके ये सारे, ज्यादातर इनका पता हूँ क्या होता है, ओ ये सारा जो है अमेरिका करवा रहा है, ये अमेरिका ने कराया हुआ, ये इस्लाम जो फैला रहा है ना इस तरीके से, ये जिहादी इस्लाम, ये अमेरिका। ओ भाई 1400 साल पहले कौन था, अमेरिका था 1400 साल पहले, 400 साल पीछे ले जाओ, 1000 साल पहले कौन सा अमेरिका, कब था अमेरिका, तो आया है अभी, पैदा हुआ है अमेरिका, ये तुम लोगों की तो कब से चल रहा है, ये रैशनल, एक मुसलमान रैशनल हो ही नहीं सकता, और एक रैशनल बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है, वो एक मुस्लिम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक लास्ट चीज कह के बंद कर रहा हूँ, कि आप ये लोग जो ये समझते हैं ना कि हम ब्लास्फेमी बंद कर देंगे या हम नहीं बोलेंगे, वो ठीक है, वो रेस्पेक्टफुली जो है एक रिलीजियस आइकन को रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, लेकिन ये बहाने ढूंढते हैं ना, जैसे बांग्लादेश में भी क्या हुआ, अभी जो दुर्गा पूजा था, दुर्गा माँ दुर्गा की जो पूजा होती है, नवरात्रि हमारे यहाँ होती है, तो उस समय किसी ने कुरान जो है उस पंडाल में मूर्ति के नीचे रख दी, माँ दुर्गा की मूर्ति के नीचे रख दी, और ये बात फिर फैला दी कि देखो ये हिंदुओं ने ये कुरान को हम माँ दुर्गा के नीचे रख दिया, और इसके बाद दंगे शुरू हो गए। ये दरअसल इनकी ही प्लॉटिंग की हुई थी दंगे भड़काने के लिए, ये बहाने ढूंढते हैं बातिल को मिटाने के लिए, आप समझ नहीं मेरी बात, तो मैं ये बस ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।